हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज बात करेंगे सी टेट दिसंबर के एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको ले जाना अलाउ है। जी हाँ दोस्तों, जब एग्जाम होगा तो उस वक्त अगर हम अपने घर से 10 या 20 या 50 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहां पर जो चीजें हम लेकर जाते हैं और एग्जाम सेंटर पर वो अलाउ नहीं होती, तो फिर हम उन चीजों को कहां पर रखें, ये प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये होता है कि आपको घर से निकलने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें ले जाना अलाउ हैं। वही सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे दोस्तों क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम सेंटर पर आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा सिर्फ एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ, यानी कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी चीजों में से कोई भी एक आईडी आपके साथ होनी चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें आपकी जो सेहत होती है उसके बारे में कुछ सवाल होते हैं। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाना है, शायद एडमिट कार्ड के साथ ही एक पेज और निकलेगा जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, या फिर एडमिट कार्ड के नीचे उसका अलग से एक बॉक्स दिया होगा, तो उसको भरकर ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है और आपकी एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक पेन आपको लेकर जाना है, क्योंकि पेन की जरूरत एग्जाम सेंटर पर हो सकती है जैसे कैलकुलेशन करने में या फिर कुछ और चीजों में, तो आपको पेन लेकर जाना है। और यहां पर दो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने अपने एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त लगाए थे, वही फोटो, दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें आपको लेकर नहीं जानी है, और यहां पर कोई भी अदर जैसे आपकी बुक हो गई या कोई और चीज हो गई, वो सारी चीजें लेकर नहीं जानी है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सैनिटाइजर जो कि उसकी बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो आपको लेकर जानी है, एक मास्क लेकर जाना है, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो अभी भी एग्जाम सेंटर पर लागू हो रहा है, इसलिए आपको सैनिटाइजर और मास्क लेकर जाना जरूरी है। और साथ में अगर आपको जरूरत हो तो एक पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट लेकर जा सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम सेंटर पर अलाउ हैं। इसके अलावा आप कोई और चीज लेकर जाते हैं तो वो आपको एग्जाम सेंटर पर ले जाने नहीं दी जाएंगी, तो दोस्तों इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और है कि एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएं तो कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचें, जिससे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और आपके जो एग्जाम फॉर्म आएगा उसको कैसे आपको भरना है उसकी पूरी गाइडलाइंस आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ही बताई जाएंगी। तो कम से कम 2 घंटे पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। इसके अलावा दोस्तों कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।